हे गाइज, वेलकम टू माय मैजिक चैनल हिंदी मैजिक ट्रिक्स। तो गाइज, आज किस मैजिक वीडियो में मैं आपको काफ़ी कमाल की हैंकी मैजिक ट्रिक करके दिखाने वाला हूँ। उस हैंकी से यानी रूमाल से पहले मैं कॉइन को गायब करके दिखाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा रिंग को गायब करके। एक्चुअली गाइज, कॉइन मैजिक ट्रिक, हैंकी मैजिक ट्रिक और रिंग मैजिक ट्रिक के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट बॉक्स को भर दिया था लोगों ने। तो आज मैं तीनों मैजिक ट्रिक्स को कंबाइन करके ये मैजिक आपको दिखाने वाला हूँ। तीनों मैजिक ट्रिक्स एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और आपको काफ़ी मजा आने वाला है। और ये जो मैजिक ट्रिक है गाइज, अगर आप सीख लेते हो तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने दोस्तों को आराम से इंप्रेस कर पाओगे। और ये मैजिक ट्रिक काफी कमाल की होने वाली है। अगर आप इस मैजिक को सीखना चाहते हो तो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस मैजिक में मेरा साथ देने आ रहे हैं मेरे भाई चंद्र प्रकाश, ठीक है। तो इसकी मदद से आज ये मैजिक मैं करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कोई ना कोई मुझे चाहिए था, इसलिए मैं अपने भाई का मदद ले रहा हूँ। यहाँ पे चंद्र प्रकाश आ जाओ, आपके पास कॉइन है तो ये 10 रुपये का कॉइन है गाइज। तो इस पर मैं पहले साइन करा लेता हूँ, ठीक है। अगर साइन नहीं कराऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कॉइन वो नहीं है, क्योंकि पहले मैं इसे गायब करूंगा और आपको पता है कि मैजिक में जिस चीज़ को हम गायब करते हैं उसे वापस लाना पड़ता है, क्योंकि वो सिक्का किसी और का है तो उसे वो वापस देना पड़ेगा। तो आप इस पर पहले साइन कर दो। ये मेरे पास परमानेंट मार्कर है, लक्सस का सीडी मार्कर, साइन कर दो इस पर। थोड़ा सा बड़ा करना। तो यहाँ पे चंद्र प्रकाश ने साइन कर दिए हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, आई होप। पर कैमरा गाइस मुझे ही फोकस करता है। तो ठीक है, इस कॉइन को रखता हूँ मैं अपने हाथ में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब इस रूमाल से मैं ढकने वाला हूँ इस कॉइन को, ठीक है। तो मैंने कवर कर लिया है कॉइन को रूमाल से, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, अभी कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में यहाँ पे कॉइन है, ठीक है, कॉइन मेरे हाथ में ही है, इसको मैंने कवर कर लिया। और अब मैं चंद्र प्रकाश के हाथ में इस कॉइन को पकड़ाने वाला हूँ। ये पकड़ो, कॉइन है इसमें, दबा के देखो, फील हो रहा है कॉइन, कॉइन है ना, ठीक है। तो अभी मैं इस कॉइन को पहले मैजिक से गायब करने वाला हूँ, ठीक है, आबरा का डाबरा। तो ये हो गया यहाँ पे मैजिक, और इसे मैं गायब कर दिया गाइस, ठीक है। जो कॉइन था वो हो चुका है पूरी तरह से वैनिस, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस रूमाल के अंदर कुछ भी नहीं है, कॉइन हो गया है वैनिस। तो अब उस कॉइन को वापस भी लाना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉइन तो चंद्र प्रकाश का था, ठीक है। आप भी पब्लिक में गाइस अगर मैजिक दिखाते हो, इस मैजिक को आप पब्लिक में भी दिखा सकते हो, ये स्टेज मैजिक ट्रिक है, वैसे आप चाहो तो इसे पब्लिक में भी परफॉर्म कर सकते हो। तो अब उस कॉइन को लाना है वापस, तो अब मैं कॉइन लाता हूँ वापस। तो गाइस ये आ गया है कॉइन वापस, ठीक है। तो अभी ये तो हो गई कॉइन मैजिक ट्रिक। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें तीनों मैजिक ट्रिक्स को कंबाइन करने वाला हूँ, तो हैंकी से हो गई कॉइन मैजिक ट्रिक, ठीक है। तो यानी दो मैजिक ट्रिक हो गई, एक हैंकी के साथ और एक कॉइन के साथ। अब यहाँ पे मैं एक रिंग के साथ मैजिक करने वाला हूँ। चंद्र प्रकाश के पास एक रिंग भी है शायद, ठीक है। तो अभी ये जो रिंग आप देख रहे हो, इस पर कोई साइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहचानता है इस रिंग को और आप भी पहचान लोगे कि यही रिंग है, ठीक है। तो इस रिंग को मैं पहले अभी गायब करके दिखाने वाला हूँ। तो इसे भी मैं अपने हाथ में रखता हूँ कुछ इस तरह से, देख सकते हो। और अब इसको मैं कवर करता हूँ हैंकी से कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आप देख सकते हो कि रिंग अभी भी मेरे हाथ में यहीं पे है, और इसको कर दिया मैंने कवर। और अब पकड़ा दूंगा मैं चंद्र प्रकाश के हाथ में इस रिंग को, देखो रिंग है, फील हो रही है रिंग, दबा के देखो। तो गाइज यकीन मानिए, मैंने चंद्र प्रकाश को कुछ भी नहीं पहले से बताया है कि इसमें मैं क्या मैजिक करने वाला हूँ, कैसे मैजिक करने वाला हूँ, इसको कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। ये ठीक आपकी तरह ही मैजिक देख रहा है, बस मेरा ये मैजिक में साथ दे रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इस रिंग को गायब करने वाला हूँ। आपको फील हो रहा है कि इसमें रिंग है? चलो ठीक है, अभी 1 2 3, तो जो रिंग थी गाइस वो भी गायब हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि रूमाल के अंदर
यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जो रिंग थी वो गायब हो चुकी है। अब उस रिंग को भी मैं वापस मुझे लाना इसलिए पड़ेगा कि वो चांदी की रिंग थी इसकी, ठीक है। कोई नॉर्मल रिंग होती तो मैं वापस भी नहीं लाता, लेकिन वो लानी पड़ेगी। तो अब चंद्रप्रकाश तेरी पॉकेट है इस पैंट में, पॉकेट में से देखते हैं, रिंग तो पॉकेट में से निकली है, ठीक है। तो गाइज कैसे होता है ये मैजिक, आप कैसे कर सकते हो, इसे कैसे आप सीख सकते हो, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइए, बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो गाइज इससे पहले कि मैं आपको बताऊं किस मैजिक को आप कैसे कर सकते हैं, उससे पहले आपको छोटा सा काम करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट टाइप करके ये बताना है कि आज की ये मैजिक ट्रिक आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही आगे भी मैजिक के वीडियोज देख के मैजिक सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाना मत भूलना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस मैजिक को आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज इसके अंदर कुछ सीक्रेट है, कुछ सेटअप है, वो आपको पहले करना पड़ेगा। सेटअप क्या है, किस हैंकी में मैंने एक कॉर्नर पे एक रिंग को सिला हुआ है, ठीक है, एक रिंग को सिला हुआ है। आप दर्जी के पास जाओगे तो आपको सिल के दे देगा। एक कॉर्नर में आपको रिंग सिलवानी है नॉर्मल वाली, जो रिंग वो छल्ला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे उस रिंग को जो नॉर्मल रिंग होती है क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना, जिससे मुझे भी पता चले कि रिंग को अलग अलग स्टेट्स में क्या बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा वाला कॉइन मैंने यहाँ पे सिला हुआ है इसके अपोजिट कॉर्नर में, यहाँ पे रिंग हो गई इस कोने में, नीचे वाले में और ऊपर वाले में यहाँ पे कॉइन, जिससे होगा क्या कि जब हमें कॉइन मैजिक करना होता है, कॉइन को वैनिश करना होता है, तो इस वाले कॉर्नर को हम यूज़ करते हैं जिसमें कॉइन सिला हुआ है। और जब हमें रिंग वैनिश करनी होती है तो हमें ये कॉर्नर यूज़ करना होता है जिसमें रिंग सिली हुई है, ठीक है। तो सेटअप आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि सेटअप को कैसे किया जाता है। आप दर्जी के पास जब जाओगे तो दर्जी ऑटोमेटिक आपको सिल के दे देगा, ठीक है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें महाभारत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से दर्जी आपको ये बना के दे सकता है। तो चलिए अब मैजिक कैसे करना है इससे वो आपको मैं बता सकता हूँ। तो होता क्या है गाइस कि पहले जादूगर लोग क्या करते थे कि रिंग वगैरह गायब कर देते थे और उसको वापस लाने के टाइम पे एक कोई डुप्लीकेट रिंग ऐसे ही दे देते थे, ठीक है। तो गाइज मैजिक का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, भोले वाले लोगों को ठगना नहीं है, तो इस वजह से लोग आजकल देते नहीं हैं। अगर रिंग दे देते हैं तो अच्छी बात है, आप मैजिक कर सकते हो, आपके दोस्तों के साथ रिंग गायब कर सकते हो। और फिर भी अगर रिंग आपको नहीं मिलती है तो आप कॉइन से मैजिक कर सकते हैं, क्योंकि आपने दूसरे कॉर्नर में यहाँ पे एक कॉइन सिला रखा है, तो आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो कि भाई कॉइन दो, मैं आपके कॉइन को वैनिश करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो उनसे आप एक कॉइन ले लोगे और अपने राइट हैंड में कुछ इस तरह तरीके से रख लोगे, ठीक है। और इसको गाइस पाम करना होता है। दूसरी टेक्निक क्या है इस मैजिक का, दूसरा सीक्रेट ये है कि जब हम इस कॉइन को यहाँ पे रखते हैं और ऊपर से कुछ इस तरीके से जब इसको हैंकी से ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो एक बार हम दिखा देते हैं कि देखो अभी कॉइन यहीं पे है, अभी कुछ नहीं हुआ, तो हम इसे ढक लेते हैं, तो ये जो कॉर्नर है कॉइन वाला वो मेरे हाथ में यहाँ रह जाता है और ऐसे ही मैं ढकता हूँ, तो जो कॉर्नर है कॉइन वाला वो यहीं पे है, आप देख पा रहे हो कॉर्नर जो कॉइन वाला है वो यहीं पे है और हम इसको ढक लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो कॉइन को तो मैं यहाँ पे पाम कर लेता हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरीके से पाम हो जाता है, तो कॉइन को कर लेता हूँ मैं पाम और जो कॉइन इसमें सिला हुआ है नीचे कॉर्नर, इसको पकड़ा देता हूँ मैं नीचे से कुछ इस तरीके से चंद्रप्रकाश को, ठीक है, या आप अपने दोस्त को ऐसे पकड़ा देना है। और जो आपने कॉइन था आप हाथ कैसे निकालोगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कॉइन यहाँ पे आपके पाम हो रखा है, देख सकते हो, तो जब ऐसे निकालोगे तो सामने से उसको पता नहीं चलेगा जिसको आप मैजिक दिखा रहे हो। अगर वो एक ही बंदा है, एक ही दोस्त को दिखा रहे हो, जब वो ये कॉइन पकड़ लेगा तो फिर आप ऐसे भी निकालोगे हाथ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे जब निकालोगे तो प्रोफेशनलिज्म है मैजिक के अंदर, तो आपको ऐसे ही निकालना है, कॉइन को यहाँ पे पाम करना है, ठीक है। आप चाहो तो साइन करा लो कॉइन के ऊपर या मत कराओ, कॉइन में साइन करा लोगे तो थोड़ा सा और प्रोफेशनल लगेगा, बंदे को मजा आएगा जब आप उसको ये कॉइन दोबारा से ला के दोगे, वापस करोगे, ठीक है। तो फिर जब ये बंदा पकड़ लेता है इस कॉइन को, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी कॉर्नर लेना है, आबरा का डाबरा जो भी आपको बोलना है मैजिक के लिए बोल सकते हो, और इसके बाद एक कॉर्नर 1 2 3 ऐसे करके फिर दिखा देना है कि देखो भाई कॉइन वैनिश हो चुका है। दोनों साइड से दिखा सकते हो, कहीं से भी दिखा सकते हो, और ऐसे ही आप गाइस रिंग को भी वैनिश कर सकते हो, ठीक है। जब लाने के टाइम में क्या करते हैं कि कॉइन तो हमारे इसी हाथ में यहाँ पे पाम हो रखा है, ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड में, तो हम कैसे भी, अब चंद्रप्रकाश यहाँ पे जा चुका है तो मैं अपने ही हाथ लगाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ से पॉकेट से भी इस कॉइन को निकाला जा सकता है, ठीक है, गिर गया सॉरी। तो कॉइन को अपने आप पॉकेट से भी निकाल सकते हो क्योंकि आपने कर रखा है पाम, ठीक है, और सामने वाले को लगेगा मैं ऐसे हाथ डाल रहा हूँ सिंपली ऐसे, और ऐसे आप डाल के कॉइन को पॉकेट में गिरा दोगे, ठीक है। इसके बाद निकाल के दिखा देना, ये देखो ये आ गया आपकी पॉकेट में कॉइन।
तो गाइज मैजिक ट्रिक आपको कैसी लगी, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप इस मैजिक को अपने दोस्तों के साथ जरूर ट्राई करोगे, तो अपने दोस्तों के साथ इस मैजिक को ट्राई जरूर करें, अपनी फैमिली के साथ ट्राई करें और मुझे कमेंट करके फिर नीचे बताएं कि उनको ये मैजिक पसंद आया या नहीं। और मैं गाइज 100% गारंटी देता हूं, अगर आप ये मैजिक अपने घर वालों को अपने दोस्तों को दिखाओगे तो उन्हें और आपको काफी मजा आ जाएगा गाइज। तो ये मैजिक ट्राई जरूर करें और नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएं। तो गाइज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नए नए मैजिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।